हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दिन में ज़्यादा और रात को आपकी भी नींद हो जाती है गुल, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन कारणों की वजह से आपको रात में नींद नहीं आती। दौड़ती भागती और तनाव भरी ज़िंदगी में नींद ना पूरी होना एक समस्या बनती जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा उन लोगों को परेशानी हो रही है जो रात को अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। रात की नींद पूरी होना हर किसी के लिए ज़रूरी है, इससे शरीर खुद को रिपेयर कर लेता है। रात की अच्छी नींद सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़िंदगी खुशहाल और बीमारियों से मुक्त होती है। आज की तनाव भरी ज़िंदगी में अच्छी नींद मुश्किल होती जा रही है। दरअसल नींद एक ऐसा जैविक रिदम है जिससे शरीर तरोताज़ा होता है, साथ ही अगले दिन के लिए ऊर्जा भी मिलती है। आमतौर पर माना जाता है कि नींद निष्क्रिय प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। नींद बहुत ही सक्रिय प्रक्रिया है। दिमाग में काफ़ी मेटाबॉलिज्म होता है। नींद से जुड़ी है शारीरिक और मानसिक सेहत। अनेक स्टडी से ये पता लगा है कि दिन भर के काम के फलस्वरूप हमारे दिमाग में जो केमिकल्स निकलते हैं, उसमें से खराब अंश नींद के दौरान छोटी छोटी नसों के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसे ज़िलेम्फेटिक्स कहते हैं। वे ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए किडनी के जरिए पेशाब के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि नींद सही ढंग से पूरी हो, क्योंकि इस पर हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत टिकी हुई है। नींद खराब होने के कारण कौन कौन से होते हैं? आजकल कामकाज के तरीके और शिफ्ट ड्यूटी जैसे कारणों से नींद बाधित है। दूसरा, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे कारण भी हैं। एंजाइटी में बिस्तर पर जाने के बाद भी नींद नहीं आती या काफ़ी देर से आती है, जबकि डिप्रेशन में शुरू में तो नींद आ जाती है लेकिन बीच में ही टूट जाती है। अगर नींद रात में पूरी ना हो तो दिन में काम करते हुए या ड्राइविंग के दौरान या पढ़ाई लिखाई करते हुए आपकी झपकी लग जाती है। मेंटल हेल्थ खराब होने से भी नींद खराब होती है। जिन्हें अच्छी नींद नहीं आती उनको मानसिक बीमारियां ज़्यादा होती हैं। ये बाई डायरेक्शनल प्रक्रिया है। ज़्यादा बीमारियों का कारण होता है नींद ना आना। कुछ लोगों को माइग्रेन जैसी समस्या के चलते भी नींद नहीं आती। नींद नहीं आना यानी इनसोमिया कई तरह की बीमारियों का कारण बन जाता है। कुछ दवाओं के सेवन से भी नींद नहीं आती है। दिल के रोगी को सांस फूलने के कारण रात में काफ़ी देर तक जागना पड़ता है, तो सांस की परेशानी से पीड़ित इंसान के भी बीच बीच में नींद खुल जाती है। नींद में डिस्टर्बेंस होना, इसे पैरासोमिया कहते हैं, जिसमें नींद के दौरान लोग हरकतें करते हैं, जैसे हाथ पैर हिलाना, अचानक ज़ोर से आवाज़ निकालना और नींद में बैठ जाना, सोते समय अचानक डर जाना या दांत चबाना जैसी हरकतें करना। नींद में भले ही ऐसी समस्याएं होती हैं, लेकिन दिन में वे पूरी तरह ठीक रहते हैं। सही नींद ना ले पाने से आगे चलकर और भी बहुत सी समस्याएँ होती हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।